धर्म कर्म विशेष शास्त्र प्रमा कृतिरमा भेदक्रमा मनोरंजन जनयन आनंदर भगवान को नमस्कार कर लेना या भगवान का नाम ले लेना या कभी तुम्हारे आवश्यकता पड़ने पर भगवान को याद कर लेना, इसमें आस्तिकता तो है परंतु इसमें का नाम ईश्वर की आस्तिकता में और भक्ति में अंतर होता है। हमारा उसको कोई संबंध नहीं है। जो सत्य धातु के आने पर पुलिस की याद कर लेते हैं या सरकार की याद कर लेते हैं या सामने पड़ने पर बड़ों को हाथ जोड़ लेते हैं, एक ही भगवान को भी हाथ जोड़ लेते हैं। अच्छा इसकी अपेक्षा विलक्षण आप भगवान के गुणों में प्रेरणा दुख होता है और सभी गुण भगवान के संयोग की प्रेरणा होने पर परमानंद का हृदय होता है। योग की तुलना होने पर उसके लिए व्याकुलता न होती है और जिसके संयोग की तुलना होने पर परमानंद का अनुभव न होता है, जिसके प्रति आपकी प्रीति नहीं है, आपकी भक्ति नव काल भूत कथिता गर्वस्य निर्वासना निस्कंदे नमुदाम सुधा मधुरिना अहंकार संकेतन प्रेमा सुंदर नंद नंदन करो जागर की ध्यान करो। जिस हृदय में नंद नंदन श्याम सुंदर मुरली मनोहर था मंद मंद मुस्कान होता है जो एक भोगों का नाशन इसका स्मरण आने पर यदि आपको परमानंद का अनुभव नहीं होता
और यदि इसका विस्मरण हो जाने पर व्याकुलता नहीं होती तो प्रूफ कहा भगवान की भक्ति का अर्थ होता है भावोदय। भक्ति एक भाव है और वो हमारे अंतकरण में भाव का उदय हो गए। माने भगवान के साथ कर्म है लक्ष्मण कर्म प्रेम होता अस्मिन गुरुवर्तिन भगवत ये जो हमारी आंखों के सामने हमारे भाव में अतरेक्ष भगवान है क्योंकि प्रति हमारे हृदय में कर्म प्रेम हो गए। अमृत स्वरूपा से जो वृत्ति के रूप में प्रेम है और वृत्ति में जो आकार है भगवान का उसके रूप में अमृत है। भक्ति वृत्ति रूपा भी है और वृत्ति में प्रतिफलित भगवद रूपा भी है। उसके संदेह में परम आनंद और उसके वियोग में परम व्याकुलता का उदय होने लगे तब समझना कि अब भक्ति महारानी हमारे हृदय में पदार्थ करने लगे। रसरूपा मुक्ति जलरूपा माया अपने हृदय में जब जड़ता का पूरा होता हो तो समझना कि माया अपने पांव फैला रही है और यदि रस स्वरूप भगवान का पूरा होने लगे तो समझो कि अब हमारे हृदय में भगवान की भक्ति आ रही है। रस रूपा भक्ति जड़ रूपा क्या कराल रक्तों की करे अंगिरा ने भक्ति का लक्षण किया रसरू का कांडिल्य ने किया कराल रक्त और नारद ने कहा परम प्रेम रूपा जो हमारे अंतकरण में भक्ति अपरोक्ष रूप से ही विलास करती है। भक्ति वृत्ति जो है वो न घटादी के समान प्रत्यक्ष है और न स्वर्गादी के समान परोक्ष है और न तो आत्मा के समान साक्षात अपरोक्ष है। ये तो हमारी अंतकरण की अपरोक्ष वृत्ति है भक्ति और दृष्ट रूपा है। दृष्ट रूपा है मानी किसी जीवन में है अभी है दिख रही है भगवान के लिए हमारी तृप्ति लहरा रही है हमारी प्यास बढ़ रही है रस का समुद्र फलक रहा है नित्य अंदर निराम आनंद आनंद की धारा प्रवाहित हो रही है। भक्ति बाहर नहीं है भक्ति दूर नहीं है भक्ति आत्मा नहीं है भक्ति एक अंतकरण में प्रभावित होने वाली वृत्ति है। क्योंकि संयोग और वियोग के भाव के द्वारा हमारे हृदय में रस स्वरूप भगवान को प्रणाने वाली कभी आंख को उजल कर दिया कभी आंख के सामने ला दिया कभी आंख को उजल कर दिया कभी आंख के सामने ला दिया ब्रजनाथ बुलाऊं सारी है ब्रजनाथ मैं तुमको सारी है सारी रात ये जीवन की जो अंधकार नहीं प्रकृति रात्रि है प्रकृति मय प्राकृत रात्रि है
सुनने में अपने हृदय के झूले पर बैठा के और तुमको खिलाती अपने प्रणाम झूलाऊ सारू रहे झूला चाहे बाएं जाए चाहे बाई में भगवान हो गए झूला चाहे आगे जाए चाहे पीछे भगवान हो गए। भगवान का लीलामय विलास है अपने हृदय में भक्ति उसके लिए व्याकुल करती है भक्ति उसके लिए प्रतीक्षा बनाती है आशा बनाती है प्रतीक्षा बनाती है आशा प्रतीक्षा संगत्य का हमारे हृदय में आशा और प्रतीक्षा उदय हो गए मिलेंगे राम ये आशा बने और वो आए वो आए वो आए सतु सदस्त्र कुचल सत्र संकित भवतु दया रते शयनम सतु शयनम पश्यति सवतम दुनिया उठती है सत्ता खटकता है काम कहता है ये उनकी चरणों की ध्वनि है रास्ते को और देखने लगे तेज अब आ आशा भी और प्रतीक्षा भी प्रतीक्षा भी अभिलाषा भी और उत्कंठा भी और उत्कंठा भी और व्याकुलता भी ये भक्ति अपने हृदय में जब आती है तब संसार बिल्कुल छूट जाता है। इस गाने का नाम भक्ति नहीं है बजाने का नाम भक्ति नहीं है नाचने का नाम भक्ति नहीं है केवल शरीर हिलाने का नाम भक्ति है नहीं है तो सबसे भक्ति हो सकती है क्योंकि भक्ति भाव रूप है कि वो सभी क्रियाओं में अनुस्थित रहती है लेकिन भक्ति वस्तु विशेष या क्रिया विशेष नहीं है भक्ति भाव विशेष है प्रतिबिंबित या अभिव्यक्त जो भगवान है उनके रूप में भक्ति रस है भगवत रूप में ही रस है ये वृत्ति इसके लिए श्रीमद् भागवत का कहना है कि आप संयोग या वियोग जागृत करो तो ये कैसे जागे एक तो है वैधी भक्ति शास्त्र में जैसी आज्ञा है उसके अनुसार विधि विधान से धर्मानुष्ठान करो अनिमित्त निमित्त न तो धर्मे नामरात्मना अपने निष्काम और निर्बल धर्म के द्वारा भगवान की आराधना करो और जैसी आज्ञा है शास्त्र में उसके अनुसार चलो। तीसरी भक्ति है रागानुगा रागानुगा का अर्थ क्या होता है कि जैसा प्रेम नंद बाबा जसोदा मैया के हृदय में है जैसा प्रेम बाल बाल के हृदय में है जैसा प्रेम गोपी के हृदय में है जैसा प्रेम राधा रानी के हृदय में है वो प्रेम हमारे हृदय में उतर के आवे रागानुगा बोलते हैं जसोदा राग का अनुजाई राग हमारे हृदय में आवे नंद राग का अनुजाई राग हमारे हृदय में आवे श्री दामा राग का सुबल राग का अनुजाई राग हमारे हृदय में आवे ये कैसे होगा क्या ये जब हम उनके चरित्र को सुनने लगते हैं ये तो पुराण की कथा है वेद शास्त्र के अतीत है तत्वा गोपा अदृष्ट
यजुर्वेद का मंत्र है कि गोप भगवान का दर्शन करते हैं। गोपा अदृश्रण यजुर्वेद का ही है, रुद्राष्टाध्याय में सब पाठ आता है। अदृश्रण नोदहार्य पनघट पर पानी भरने वाली स्त्रियों ने भगवान का दर्शन। अब भले इसकी कोई आध्यात्मिक व्याख्या करे, परंतु अभिधा वृत्ति से यदि इसको देखना होए, अभिधेय अर्थ का साक्षात्कार करना हो, तो भगवान की ब्रज लीला में आना पड़ेगा। वहाँ गोप कृष्ण का दर्शन करते हैं, वहाँ पनिहारिन श्री कृष्ण के साथ खटपट करते हैं। तो जब हम देखेंगे कि श्री कृष्ण का तो ऐसा साधारण कर्म, ये नहीं कि सनत कुमार को मिले, कि नारद को मिले, कि ब्रह्मा को मिले, कि शिव को मिले, वो महाराज नित्य निकुंज का रथ होगा दुर्लभ, परंतु हमारे जो ब्रज के भगवान हैं, वो तो अजा गाओ महिष्यस्य, वो तो बकरी भेड़ के पीछे भी और भैंस गाय के पीछे भी वन वन में चलते हैं। तृण चरा निगम, ये तो बड़े सुगम है, बड़े सरल है, ब्रज के भगवान अनायास मिलने वाले हैं। यही कहूँ क्या काफी कुंभ में सूरत, यही हमेशा कुंभ में यही कहूँ श्याम, जरा भूत भविष्य से अपने मन को हटा दो, देखो यही कहूँ श्याम, काहू कुंज में फिरत हुई है, भुज भरी भेटी वे को ये उमहत है, हृदय में एक तरंग उठ रही है, हिलोरे उठ रही है, आओ आओ दोनों हाथ से पकड़ के उसको अपने हृदय से लगा लें। तो ये जो श्याम सुंदर की लीला है, जब हम पढ़ते हैं बाल बालों का चरित्र, जब हम पढ़ते हैं गोपियों का चरित्र, तो उनको कृष्ण से मिलने पर कितना सुख होता है और कृष्ण से बिछुड़ने पर कितना दुख होता है। जागर नवकाल कूट कटुता गर्भस्य दर्पासन, नया नया ताजा समुद्र मंथन से निकला हुआ जो विष है, उसके कड़वाहट का गर्भ चूर्ण हो जाता है। इतनी पीड़ा होती है भगवान के विरह। और निश्चंदेन मुदाम सुधा मधुरिमा अहंकार संकोचनहा, इतना आनंद आता है भगवान के संयोग का पूर्ण होने पर कि अमृत को जो अपनी मधुरिमा का अहंकार है वो चूर चूर हो जाता है। तो ये संयोग और वियोग का भाव जब तक हम किसी प्रेमी का पदानुसरण नहीं करेंगे, राजानुगा भक्ति नहीं आवेगी, तब तक ये भाव हमारे हृदय में नहीं आवेगा। देखो इसमें एक और बात, वेदांतियों ने बड़े जोर शोर से प्रतिपादन किया है कि परब्रह्म परमात्मा जो है उसमें ऐश्वर्य मायोपाधि, तो जब परमात्मा के अनुभव से सकार्य अविद्या माया की निवृत्ति हो जाती है, तब ऐश्वर्य का जो लोभ है वो क्षीण हो जाता है, ऐश्वर्य भी बाधित हो जाता है, बड़े जोर शोर से। और वो अपनी इस बात को वेदांत की सर्वोत्तम बात मानते हैं। परंतु ये देखो प्रेम, इस प्रेम में ऐश्वर्य आने से डरता है। यशोदा मैया के सामने
जब बलराम जी कभी कभी तीन हाथ से लगते हैं, आंकने लगते हैं कि मैया छोड़ दे कृष्ण मैया को, मैं तो नहीं जानती, एक फुफकार में मैं ब्रह्मांड को भस्म कर देता हूं, मैं शेष अनंत हूं। और मैया कह रही है चल चल, बड़ा आया है शेष बनने वाला है, कहां से ये जींग हाँकना सीख के आया है, मैं भी तुमको इसी के साथ बांधती हूँ, आओ, है ना, भूखल में एक बंधा है, अभी दो बांध के दिखा देती हूँ। तो जैसे ज्ञान में ऐश्वर अकिंचित कर हो जाता है, वैसे प्रेम में भी ऐश्वर्य अकिंचित कर हो जाता है। और ये बात आप भागवत में देखेंगे स्थान स्थान पर, खेल में श्री रामा से श्री कृष्ण हार जाते हैं, उवाह कृष्ण भगवान श्री रामा पराजित, भगवान कृष्ण पराजित सन श्री रामानम उवाह, श्री कृष्ण खेल में श्री रामा से हार गए और उसको कंधे पर उठाकर चले नीचे कृष्ण, और ऊपर श्री राम, ऐसा भगवान दूसरी जगह नहीं, इसी मजहब में खैर बहुत देव के पास तो भगवान है ही नहीं, उनके शंकर है, उनके पास तो परमात्मा है ही नहीं, मुसलमान ईसाई के पास और आर्य समाजी के पास जो भगवान है वो अपने भक्त को कंधे पर उठा ही नहीं सकते, क्यों, उनके कंधे ही नहीं है, लाचार है बेचारे, जब कंधे ही नहीं है तो कंधे पर उठावेंगे कहां, ये तो हमारे भगवान हैं, हार जाते हैं, दूसरे के भगवान हारने में अपनी हेती समझेंगे, हमारे भगवान हारने में अपना गौरव समझते, कहां है ईश्वर, अरे ईश्वरता को तो ब्रजवासियों के प्रेम पर निछावर करके भगवान ने लुटाया है, तो कुछ मथुरा शहर में गिरा, कुछ द्वारका गया, कुछ अयोध्या गया, कुछ हरिद्वार गया, तो हरिद्वार की ओर विरक्त लोग रहते थे, उन्होंने तो उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अयोध्या द्वारका मथुरा के लोगों ने तो उसको उठा उठा के अपने सिर पर रखा। नारायण तो ये जैसे ज्ञान में परब्रह्म परमात्मा का ऐश्वर्य बाधित हो जाता है, वैसे प्रेम में परमात्मा के ऐश्वर्य का अभान हो जाता है, अभान होना दूसरी चीज है और बाधित होना दूसरी चीज है, सुषुप्ति में प्रपंच का अभान होता है और ज्ञान में प्रपंच का बाध होता है, ये दोनों दो चीजें एक नहीं है। तो प्रेम के भी उद्रेक में, प्रेम की अधिकता में ऐश्वर्य का लोप हो जाता है। क्या सुंदर उदाहरण है गिरिराज को उठाए हुए हैं श्री कृष्ण परमात्मा, वर्षा हुई, वज्र गिरा, बिजली चमकी, निम्नोन्नत एक हो गया, सारी गौएं, सारे ग्वाल, सारी ग्वालिनें, सारी भेड़ बकरी और सब खटड़े गिरिराज के नीचे आ गए, वहां बाप भी, मैया भी, दादा भी, दादी भी, नाना भी, भाई भी, बंदे भी, गोपियां भी, सब गिरिराज के नीचे, और श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। उनको सुख हो रहा कि इंद्र ने बहुत अच्छा, इस बात पर आप ध्यान देना हो, बड़े बूढ़ों को छोटे का अनादर नहीं करते, नंद बाबा करते थे हमेशा इंद्र की पूजा, कृष्ण ने आके कहा कि बाबा
अब इंद्र की नहीं गिरिराज की होनी चाहिए। पृथ्वी के मन में क्या था उसको तो भगवान जाने, वही जाने, इंद्राय मन्युं जनयन्, इंद्र को चढ़ाना था या पूर्व मनसा के मत का आदर करना था या व्रज के पर्वत को, यहाँ के पत्थर को, चट्टान को ही इंद्र से श्रेष्ठ बताना था या नंदादि गोपों को अनन्य बनाना था, क्या अभिप्राय था भगवान का? वो तो भगवान की तो भगवान जाने। जीवत कवे है आशयो न वर्णनीय, जब भगवान इस समय जीवित हैं, प्रकाश है ना, विद्यमान है, तो उनके मन में क्या है इसके लिए हम अपने मन के अनुसार कल्पना काय को करें। परंतु जहाँ आके उन्होंने नंद बाबा से कहा कि बाबा गिरिराज की पूजा करो, इंद्र की पूजा बंद, 7 बरस का बालक है, 87 बरस के नंद, तो 7 बरस के बच्चे की बात मानकर अगली पीढ़ी का कितना आदर करना चाहिए। दुःखिजुक्तम उपादेयम वचनम बालक आदती, अपनी सफेद दाढ़ी नहीं दिखानी चाहिए, अपनी उम्र नहीं बतानी चाहिए, यदि बच्चा भी अच्छी बात कहता हो तो उसका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये बात भी श्री कृष्ण के जीवन में, इसके आचार्य भी भगवान श्री कृष्ण ही है। उठा लिया पर्वत और प्रसन्न हो गए कि चलो बाबा, इंद्र के मन में भाव चाहे कुछ भी हो, इसने हमारे सब भक्तों को लाके हमारे सामने खड़ा कर दिया, युगपत सर्वरसों का अनुभव हो गया, एक साथ सब रस, एक साथ सब रस। वहीं से ग्वाल बाल हो गए, कन्हैया भैया 7 दिन हो गए, खड़े खड़े पांव से, कभी एक पांव से खड़े हो जाते हैं, वो एक उंगली पर गिरिराज को ले लेते थक जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ हम जानते हैं तुम्हारा बल दूसरा, दौड़ते हो जब हम पकड़ लेते हैं, लड़ते हो जब हम पटक देते हैं, हार जाते हो जब हम तुम्हारे कंधे पर चढ़ते हैं, हम तुम्हारे बल बूते का पता है, थक जाए। श्री रामा को दे दो उन्होंने पहाड़, कहा ऐश्वर्य का बोध ही नहीं है, किंचित भी सख्य में ऐश्वर्य का बोध नहीं है। अच्छा, अपना पराजय समझते हो, वैसे पराजित शब्द का प्रयोग भी बड़े ढंग से किया गया है। ये तो बाग देवी जो है वो किसी प्रकार भगवान की निंदा के वचन का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसी संस्कृत भाषा की मर्यादा है। तो भगवान पराजित हो गए ये कहने में तो श्री कृष्ण की निंदा हो गई। तो बाग देवी बोली, ना ना, जब महात्मा लोग इसको पढ़ते हैं पराजित को, सब पढ़ते हैं परो अजिता पराजिता, ये अजित हैं, सर्वश्रेष्ठ अजित हैं, इनको कोई जीत नहीं सकता। और जब प्रेमी लोग पढ़ते हैं तब पराजिता माने पराजय को प्राप्त हो गए, पराजयम गतः पराजिता। तो बोले थोड़ी देर के लिए बाएं हाथ से उठा के दाहिने हाथ पर तो रख लो, हम तुम्हारे बाएं हाथ को थोड़ा संवाहन करेंगे, दबाव होंगे, रक्त संचार ठीक हो जाए। अब देखो ग्वाल बाल अपने प्रेम में इतने मग्न हैं कि उनको तो ईश्वरता का कोई आदर, देखते हैं सामने एक उंगली पर इतना बड़ा पहाड़ है और उनको उसका भान नहीं होता, उनको श्री कृष्ण का भान होता है। और जब योग योग की स्थिति होती है परमानंद में ऐश्वर्य का बोध नहीं होता, परमानंद बोधात्मक ही होता है। देखो आनंद बोध का विषय है, सबको कभी आवेगा कभी जाएगा,
विषय होने पर तो अन्य हो जाएगा, अनात्मा हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, तो परोक्ष है, कल्पना मात्र हो जाएगा, सब विगत है तो भूत हो जाएगा। बोध और आनंद में किंचित भी पार्थक्य होने पर आनंद जड़ हो जाएगा। वो परम प्रेमास्पद बोध जो है वही परमानंद, वही परमानंद है। और जिस समय गोप श्री कृष्ण को देखते हैं उस समय उनको आनंद में प्रपंच की शुद्ध बुद्ध नहीं रहती, पर उन्हीं को जब विरह होता है, विरह ज्वरोड़ जनित ज्वालावली जर्जरा संसारे विरह ज्वरोर्मी जनित ज्वालावली जर्जरा गोपा तैल तटे तथा सुचिलित श्वासा अंकुरा तेरते मंदम मंदम अठर्प लोचन जलई आप्लाभ्युतान निश्चलान शोचन यथा चिरम परिचय निर्धा तुरंगा बाल बाल बेहोश पड़े हैं गिरिराज की तलपी में और उनको पहचानने वाले हरे तिरकाल से आते हैं देखने के लिए। क्या बात है, देखते हैं उनकी नाक पर अपना मुंह लगाते हैं उनकी सांस चल रही है कि नहीं, और गोपों की दशा देख करके उन हरिन हरिणियों की आंख से ऐसी आंसू की धारा गिरने लगती है उनके मुंह पर जैसे वे बेहोश के मुख पर पानी छिड़क कर उसको होश में लाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो संयोग और वियोग की दशा का वर्णन है, ये वर्णन इसलिए है हो, ये तो सत्य है, यथार्थ है, पुराण है। हम आपको क्या सुनावे, हमने कहानियां पढ़ी, हमने रविन्द्रनाथ ठाकुर की कहानियां पढ़ी हैं, प्राय सब हिंदी में जितनी उपलब्ध होती है, शरद चंद्र की कई कहानियां प्रेम चंद्र की भगवती चरण वर्मा और हम जानते हैं कि ये कहानियां कल्पित पात्रों को लेकर चलती हैं। चक्रवी की कई कहानियां पढ़ी हैं, जब पढ़ने लगते हैं तो ये बोध नहीं रहता कि ये कल्पित है, इसके पात्र कल्पित है। कितनी बार कहानी पढ़ के रोया है, कितनी बार सिनेमा में रामचंद्र को सीता को रोते देखकर आंखों में आंसू आए। तो जब कल्पित कथा और कल्पित दृश्य भी हमारे हृदय को द्रवित करके रुला देते हैं तो ये महात्माओं के द्वारा वर्णित और भगवान की यथा यथातथ्य लीला ये सुन के और पढ़ के यदि शरीर में रोमांच न हो, आंख में आंसू न आए और हृदय द्रवित न हो तो पत्थर है ना। तदस्मकारम हृदय बदेगम यद गृह्यमाण हरिनाम धूमि न विक्रियेता जदा विकारो नेत्रे जलम गात्र विहेतु हर्षः। शरीर में रोमांच हुआ, आंख में आंसू आए, कंठ गदगद हुआ, हृदय पिघल करके द्रवित हुआ जैसे नदी समुद्र की ओर बहती है गंगा की धारा, इस तरह से हमारा हृदय कृष्ण 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 प्रवाहित हो गया। महाराज इस कथा में बड़ा भारी प्रभाव है। किसी से जब प्रेमी का चरित्र सुनते हैं तो हमारे हृदय में उस प्रेमी की आकृति आती है, उसकी विकृति आती है, उसके भाव आते हैं, उसके अनुभव आते हैं, हमारा मन वो प्रेमी बन जाता है। तो सारे भाव विभाव अनुभव संचारी सब के सब अपने हृदय में प्रकट हो जाते हैं और रसानुभूति रसानुभूति होने लगती है। इसी से भागवत जी ने
वो आपके हृदय में भगवत प्रीति, भगवत भक्ति, भगवत रस का आधान करता है। एक बात आप देखो कि यदि श्री कृष्ण के रास्ते में कोई पड़ जाए कैसे भी पड़ जाए, देश से पड़ जाए, कुंभ से पड़ जाए, सोच से पड़ जाए, रिविधिर जोग मार गई विचार करते हुए पड़ जाए तो ये वृंदावन है, ये भगवान है, ये दिव्य दिव्य धरती है, ये दिव्य वृक्ष है, ऐतिहासिक खोज मत करो, यहाँ के पेड़ की लेबोरेटरी में परीक्षा मत करो कि कै बरसा है, ये देखो इसी के कंधे पर भगवान बैठ के बांसुरी बजाते हैं, लेबोरेटरी में वो पेड़ 5000 बरस का हो कि न हो, भगवान को 5000 वर्ष का मान करके, पहले का मान करके और उनका अनुसंधान करना, उनको भगवान मानना है कि भूत मानना है? यदि ऐसा मानते हो कि 5000 वर्ष पहले भगवान थे, प्रकट हुए थे और जैसे मनुष्य जाते हैं वैसे चले गए, तो अब क्या हो गए भगवान? भगवान तो भूत हो गए, तो भगवान अभी हैं, इसी तरफ की डाल पर बैठते हैं, दोनों पांव लटका के पीतांबर फहराता है और बैठ के बांसुरी बजाते हैं और जात हर्ष उपरम्भक विश्वाम, अभी है भगवान, अभी है भगवान, कब तुम्हारे हृदय में भाव का हृदय करें, अभी भविष्य में कितनी देर है द्वापर आने में, ये रीति रीति यही है कि भगवान का श्रवण करो, भगवान का मन ही मन दर्शन करो, ये बात आप मान लो कि जो चीज आप मन में देख सकते हो वो चीज आप आंख से भी देख सकते हो, क्योंकि आंख नहीं देखती है, आंख के पीछे बैठने वाला जो मन है वही आंख से देखता है। अच्छा देखो, आंख से स्त्री दिखती है, पुरुष दिखता है कि पत्नी दिखती है, मां दिखती है? आप बताओ, आप किसी को देखते ही तुरंत कह दोगे मेरी मां आ रही है, आप किसी को देखते तुरंत कह दोगे मेरी बहन आ रही है, ये मेरी पत्नी आ रही है, तो पत्नी बहन और मां आंख में होती है कि मन में होती है? आंख में तो केवल औरत होती है, आंख में तो केवल स्त्री दिखाने का सामर्थ्य है, माँ बहन बेटी या पत्नी दिखाने का सामर्थ्य आंख में नहीं है, वो तो आपके मन में है। तो यदि आपके मन में भगवान है तो आप बाहर आंखों के द्वारा भगवान को देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, सुन सकते हैं, त्वचा से छू सकते हैं, नाक से सुन सकते हैं, जीभ से चख सकते हैं और उसके साथ एक भेद हो सकते हैं। यदि आपके मन में हो जाए तो इंद्रियां तो मन के विपरीत चलती ही नहीं है, मन में बैठाना है, मन तो गोपियों के मन श्री कृष्ण कैसे आए, ये प्रसंग आप देखेंगे वेणु पणम समय रणगीत तीर्थ गोप्यो विदृष्टो जगमन समेता मुकुंद मुख सारक मक्षी वृंग, गोपियों ने मन से श्री कृष्ण के रूप रस का पान किया, उनकी बंसी ध्वनि का श्रवण किया, उनके नाम का श्रवण, कृष्ण नाम जब से श्रवण सुनोरी आली भूली दी भवन हम तो बावरी गई, कृष्ण 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 श्री राम विलोदयति लुंचत धैर्य मार्ग प्रीतिम भिनत्ति परिलुंपति चित्त वृत्तिम नामैव जस्य करितम श्रवणोपहस्ते, कान में जहाँ नाम पड़ा
लज्जा का सत्यानाश हो, भय दूर हो, गुरुजनों का भय दूर गया, चित्त वृत्ति का लोप हो गया, ऐसा है उसके नाम का, नाम का सामर्थ्य श्रुतमेव दुंपति मतिम कृष्णे की नामाक्षरम प्रेमोन्मेद प्रेमोन्माद परंपरा उपनयस्य अन्यस्य पंची कला। उसका नाम सुना, उसकी बात दृष्टवा दिव्यम किशोर मिति कृता आंखें ठंडी करने के लिए तस्वीर देते हैं। हरी हरी कथम जानी मत वयम, हम भोली भाली गाँव की जोती क्या जाने कि ये कितना टेढ़ा है, आंख ठंडी करने के लिए देखा और कलेजे में आग लगी। ऐसा ऐसा ये तो गोपियां इकट्ठी होके वेणु गीत गाती है। वो वेणु उद्दिष्ट गीतम, श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तब क्या हो जाता है, कैसे कैसे देवी मोहित होती हैं, कैसे वृक्षों से मधुक्षरण होता है, कैसे लता मोहित होती हैं, कैसे हरिणी मोहित होती हैं, कैसे गाय मोहित होती हैं, कैसे वृंदावन में शांति शांति हो जाती है, कैसे मोर नाचता है। ये वेणु के व्याज से श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य का गान है। वेणु व्याजे न गीतम वेणु, वेणु ना गीतम वेणु, वेणु हो वेणु भरत गीतम वेणु गीतम, ये वेणु गीत, वेणु गीत गाया इसको पूर्व राग मिलते हैं, मिलन से पहले हृदय में प्रेम की उत्पत्ति, मिलन से प्रेम की उत्पत्ति होती है। ईश्वर के बारे में ये धारणा सर्वथा गलत है ना, हम लोगों के काम की नहीं। पहले राग का उदय होगा, पीछे भगवान मिलेंगे। जो कहते हैं पहले भगवान मिलने पीछे हम राग करेंगे, तो वो फल को पीछे चाहते पहले चाहते हैं और साधन को पीछे कर देते हैं। पहले प्रेम करो भगवान, उन्होंने कात्यायनी की पूजा की, कात्यायनी की पूजा कर देने से करने पर भगवान है। ये वेदांतियों में रीति ये है कि जीव ब्रह्म से मिलता है वरदान का, आवरण भंग हुए बिना तो कोई आत्मा अपने को परमात्मा से मिला नहीं सकता। ये आजकल जो है ना मौसमी आचार्य जो भी है उनके पास आवरण भंग करने की कोई प्रक्रिया नहीं, बिना प्रमा के भ्रम की निवृत्ति नहीं हो सकती, बिना ज्ञान के आवरण भंग नहीं हो सकता। तो ज्ञानी भी जब भगवान से मिलेगा तो आवरण भंग तो होगा ही होगा। तो वेदांत में जीव स्वयं अपना आवरण भंग करता है, दिगंबर होके निर्गुण ब्रह्म के पास जाता है। भाई तुम भी निर्गुण, ब्रह्म तो निर्गुण है ना, निर्गुण माने उसके शरीर पर एक सूत नहीं है, गुण माने सूत हो, न चोटी है न जनेऊ है न नीली है न धोती है न कुर्ता है, निर्गुण माने नंगा, नंग धड़ंग है ब्रह्म। तो उसकी शर्त यह है कि तुम भी नंग धड़ंग होके आओ तब तो तुमसे मिलेगा, और तुम कपड़ा पहन के जाओ तो तुमसे नहीं मिलेगा है? तो जीवात्मा को स्वयं निरावरण होकर अपने आवरण का भंग करके परमात्मा से मिलना पड़ता है। ये वेदांत की रीति है। भक्ति साहित्य में भी आवरण भंग हुए बिना तो कोई रस नहीं आवेगा। बोले भाई सखा, वो कमीज नहीं उतारेंगे।
तो मैं सुस्ती भी नहीं लड़ सकेंगे। का माँ जो है वो कहे कि हम अपने बच्चे के सामने छाती खुली नहीं करेंगे तो कैसे दूध पिलाएगी? बच्चे को दूध पिलाने के लिए भी छाती खोलनी पड़ती है, अपने प्रिय का आलिंगन करने के लिए भी वस्त्र हटाने पड़ते हैं, पति पत्नी के संयोग में भी आवरण भंग होना पड़ता है। पर उसकी मर्यादा ये है कि जहां निर्गुण ब्रह्म में निर्लज्ज होके स्वयं निरावरण होके निरावरण ब्रह्म से मिलना होता है, ब्रह्म तो नित्य निरावृत है और जीवात्मा अविद्यावश अपने को आवृत मानता है, तो उसको स्वयं आवरण भंग करके जाना पड़ता है। भक्ति सिद्धांत की महिमा ये है कि उसमें जैसे पति पत्नी के आवरण का भंग करता है, वैसे स्वयं भगवान अपने भक्त के आवरण का भंग करते हैं। तो स्वयं भगवान जो है ये गोपी वस्त्रापहार काय नमः, गोपियों के वस्त्र का हरण, श्री विश्वनाथ जी महाराज ने दो ग्रंथ ऐसे महत्वपूर्ण लिखे हैं। इधर तो किसी जात कम है, एक तो विद्वान मंडनम है विद्वानों के लिए और एक श्रृंगार मंडनम है। तो श्रृंगार मंडनम में कीर हरण का जो रहस्य है, कीर हरण का रहस्य वो श्रृंगार मंडनम नाम के ग्रंथ में प्रकट करते हैं। सैकड़ों श्लोक है, श्लोकबद्ध ग्रंथ है। विद्वान मंडन में तो गद्य पद्य दोनों हैं और श्रृंगार मंडनम में तो श्लोक ही श्लोक है। तो ये जो तीर हरण है, भक्ति में विशेषता यही है कि भगवान स्वयं अपने भक्त का तीर हरण करते हैं और वरदान दे देते हैं। मैं मारम पृथक कथा, बहुत हल्की फुल्की नजर से भगवान की लीला को नहीं देखना चाहिए। भगवान की लीला में भगवान का स्वरूप, उनका स्वभाव, उनकी करुणा, उनके गुण भगवान की एक एक लीला में प्रकट होते हैं। दे दिया वरदान, वरदान देने के बाद आप देखना श्री कृष्ण वृंदावन भूमि की स्तुति करते हैं। यहाँ के एक वृक्ष की हो अहो एकाम वरम जन्म, उसके बाद ये हुआ कि अब गोपियों को मैंने वरदान तो दे दिया पर रास लीला में जो प्रतिबंध है, विघ्न है, उसका निवारण करना चाहिए। तो ब्राह्मण लोग ही पहले धर्मशास्त्र की पोथी खोल के बैठेंगे कि श्री कृष्ण जो लीला कर रहे हैं वो धर्मशास्त्रानुकूल है कि नहीं, तो पहली चोट ब्राह्मणों पर करनी चाहिए। तो भाई ब्राह्मण लोग अनुकूल होना चाहिए, बिना देव ब्राह्मण के अनुकूल हुए कोई भी रथ सिद्धि कैसे हो सकती है? तब उन्होंने तीर हरण के बाद वृंदावन की स्तुति करके और पहुंच गए ब्राह्मणों की यज्ञशाला के पास और वहां जाके महाराज बोले कि देखो गोपियों को तो तुमने ऐसा वरदान दिया, आज स्त्रियों पर अनुकूल हो ऐसा मालूम पड़ता है। गोपों ने कहा हमारे हृदय में भी एक स्त्री है और वो हमको बहुत सताती है। अरे गोपियों तुम लोग, अरे गोपो तुम लोग तो ब्रह्मचारी हो, राम राम तुमको स्त्री सताती है, ये क्या बात है, कौन सी स्त्री है? बोले वो सुधा है माता, वो सुधा है, भूत है, वो हमको बहुत सता रही है। तो बोले चले जाओ यज्ञशाला में। अब महाराज ब्राह्मणों ने वहां जगा से नो मिटिक चौदुर न नीति तो परंत, दो बात होनी चाहिए, या तो ओम बोलो, ओम इति स्वीकारे सर्वं खल्वदं ब्रह्म, ये ओम है, और नेति नेति। तो ये ब्राह्मण महाराज ऐसे वैदिक कर्मकांडी थे कि बोले कि ओम तो ग्वालों के सामने बोलने ही नहीं चाहिए,
बोले नेति बोलो कान अधिकारी हैं, इनके सामने प्रपंच का निषेध कैसे करें। जगाते नो मिति प्रोजुर न नेति परम तप न सर्वं खलदम ब्रह्म बोले और न नेति नेति बोले। तो गोप निराश हो गए हैं। तो गोप गाह इंद्रियाणि पांति इति गोपाह, अपने इंद्रियों को जो संगम में रखे उसका नाम गोप है। गाह पांति, गाह धेनु पांति, ये गोभी पिबंति श्री कृष्ण दर्शन, अपनी इंद्रियों से कृष्ण दर्शन का पान करते हैं। अब महाराज बाद में उनकी पत्नियों के पास छोड़ दिया और ब्राह्मण देवता की एक नहीं चली, सब पत्नियां जो हैं वो भक्त भोज्य पेय लेकर के और श्री कृष्ण के पास उपस्थित हो गई और यहां तक कहने लगी कि अब हम तुमको छोड़ के जाएंगे ही नहीं। श्री कृष्ण ने लौटा। अब ब्राह्मण लोग जो हैं वो अपने को पुकारने लगे, बोले अरे ये कृष्ण तो साक्षात भगवान है और हमारी पत्नियों के हृदय में इतनी भक्ति। देखो एक कथा का प्रसंग देखो। अब ब्राह्मण लोग अब पश्चाताप तप्त हो गए और श्री कृष्ण के प्रति जो उनका दुर्भाव था वो शांत हो गया। ये तो साक्षात भगवान है, हमको यज्ञ का फल देने के लिए आए थे। ये देखते तो ब्राह्मण अनुकूल हो गए। अब ये हुआ कि देवता भी अनुकूल होने के लिए, तो इंद्र देवता के मन में जो गर्व था, कर्म के देवता हैं, कर्म के आचार्य हैं ऋत्विक हैं ब्राह्मण और कर्म के देवता हैं इंद्र, तो कर्म विभाग में ये रासलीला कैसे आवेगी। तो ब्राह्मण भी अनुकूल होए और कर्माराध्य देवता भी अनुकूल होए, तो ब्राह्मणों को तो उनकी पत्नियों के द्वारा पकड़ा और इंद्र में असुरत्व जो छिपा हुआ था उसको जागृत कर दिया। भेद पूजा मिलती थी नहीं मिली तो चिढ़ गए। अरे भेद पूजा देने वाले की श्रद्धा पर है, दे कि न दे उसमें लेने वाले का कोई हक थोड़ा ही होता है कि तुमको इतना देना चाहिए। देने वाले की श्रद्धा हो तो दे, न हो तो न दे। लेकिन इंद्र ने कहा नहीं, हर साल देते रहे हो, इस साल भी देना, मालगुजारी की तरह टैक्स की तरह हमको देना पड़ेगा और नहीं दोगे तो। ऐसा असुर जगा इंद्र के मन में, पशुन नयत संशयम, गायों को मार डाल। अरे इंद्र देवता हमेशा हबीब से खाने वाला है, गायों को गायों का दूध दही थी उसको न चढ़े तो कहे गाय को ही मार डाले। भगवान ने महाराज कहा कि लो ये हमारा गिरिराज रक्षा करता है और इंद्र का मत। अब देवता अब उस श्री कृष्ण का कभी विरोध नहीं करेंगे ना, मद भंग हो गया वो। जल विहार करना है तो जल में जो वरुण जी हैं उनको अनुकूल कर लिया और रह गई जात बिरादरी समाज। तो महाराज सबको ब्रह्म रथ में ले जाकर के अपना वो चतुर्भुज रूप दिखाया। काहे के लिए सब, काहे के लिए किया ये सब, इसलिए किया कि गोपियों का विहार सर्वथा निर्विघ्न सिद्ध हो गए। इसलिए वेणु गीत से लेकर के और गोपों को ब्रह्म रथ में अपने ब्रह्म रूप का दर्शन कराने पर्यंत सारी लीला श्री कृष्ण ने स्वयं की प्रधानता से आगे आकर की, क्योंकि गोपियों पर अनुग्रह करने के लिए, जिससे हमारी रासलीला निर्विघ्न संपूर्ण समृद्ध रति के रूप में होवे। संकीर्ण रति न हो, मध्यम रति न हो, संक्षिप्त रति न हो, तब वो समृद्ध रति के रूप में संपन्न होए, उसमें आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद का उल्लास होए। इसलिए उन्होंने सारी विघ्न बाधा, भगवान जब किसी को पसंद करते हैं तो उसके मिलने में यदि कोई प्रतिबंध होवे तो उस प्रतिबंध को स्वयं दूर कर देते हैं। अब जब सारे प्रतिबंध दूर हो गए तब उन्होंने बुलाया हो। अब यहां गोपियां व्याकुल नहीं है कृष्ण से मिलने के लिए,
कृष्ण व्याकुल हैं गोपियों से मिलने के लिए, वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। अभी राज का प्रसंग आपको फिर कल सुनाएंगे।